हेलो एंड वेलकम टू गाइस आवर चैनल हॉट व्हील्स एसयूवी स्पेशलिस्ट। आज के हम हमारे वीडियो में देखने वाले टाटा नेक्सॉन के अंदर में जो हम म्यूजिक सिस्टम इंस्टॉल करते हैं वो कौन सा करना चाहिए और कैनवास क्या होता है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमने इंट्रो में बताया था आपको कि यहाँ पे जिस व्हीकल में हम बैठे हैं ये है नेक्सॉन XMS मॉडल, जिसके अंदर में म्यूजिक सिस्टम आता है रेगुलर। दैट मीन उसमें कोई भी आपको टचस्क्रीन म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलता है। ये जो XMS मॉडल आता है इसमें कैनवास इंस्टॉल होता है। सो कैनवास क्या रहता है? सो सिंपल बात ये आती है कि जब भी हम म्यूजिक सिस्टम हमारे कार में इंस्टॉल करते हैं तो वहां पे क्या होता है कि जैसा XMS मॉडल है, XMS मॉडल के अंदर हमें आते हैं स्टीयरिंग पे ऑडियो कंट्रोल्स, साथ में जो म्यूजिक सिस्टम कंपनी की तरफ से आता है उसके अंदर में लगे हुए रहते थे ये पैनल्स। ये पैनल्स ऑपरेट करते हैं इस म्यूजिक सिस्टम को। अब हम क्या करते हैं कि आफ्टर मार्केट कोई भी वर्क करते हैं गाड़ी के अंदर में, अगर कोई म्यूजिक सिस्टम उसके अंदर इंस्टॉल करते हैं तो क्या होता है कि ये जो पैनल्स है ये म्यूजिक सिस्टम को ऑपरेट करना बंद कर देते। जैसे मुझे अगर वॉल्यूम बढ़ाना है और मैन्युअली मैं करना चाहता हूँ तो यहाँ से दैट मीन मेरे को ड्राइवर वहां पे उसको ऑपरेट कर पाएंगे। अगर मैं खुद ऑपरेट करना चाहूँ तो मैं मेरे थंब के ऊपर मैं ऑपरेट कर पाऊंगा। इन चीजों को एक्टिवेट करने के लिए लगता है कैनवास म्यूजिक सिस्टम। सो ये व्हीकल के अंदर में हमने इंस्टॉल किया है म्यूजिक सिस्टम जिसकी रैम है 2GB और 16GB आता है इसमें इंटरनल। टोटल ही एंड्रॉइड आता है। यहाँ पे अगर मैं इसे टच करूँ तो इसकी शुरुआत यहाँ से हो जाती है। सो म्यूजिक सिस्टम के अंदर में हम अगर देखा जाए तो इसकी फिटमेंट टोटल ही सॉकेट टू सॉकेट होती है। इसमें कोई आपका वायर कट नहीं होगा, कोई वायर क्रॉप नहीं होगा। दैट मीन कि आपका वारंटी रेट टोटल ही लीगल रहेगा। अगर हम आपकी कोई वायरिंग कट करते हैं या क्रॉप करते हैं तो वहां आपका वारंटी पीरियड, जो व्हीकल का इलेक्ट्रॉनिक वारंटी पीरियड रहता है, वो कोलैप्स हो सकता है। तो उसको हमने ध्यान में रखते हुए ये सोचा है कि हमारे व्हीकल के अंदर में अगर हम इंस्टॉल करना चाहेंगे तो प्रॉपर ही सॉकेट टू सॉकेट फिटमेंट हो। तो वही चीज हमने ये व्हीकल के अंदर में किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो व्हीकल का एंड्रॉइड म्यूजिक सिस्टम है वो प्रॉपरली फिट किया हुआ है। इसमें किसी प्रकार का आपको गैप नहीं मिलेगा, किसी भी प्रकार का कोई डैमेज नहीं मिलेगा। टोटल ही फिटमेंट हमारे टेक्नीशियंस एंड इलेक्ट्रीशियंस प्रॉपरली करते हैं और सब सर्टिफाइड टेक्नीशियंस मेरे यहाँ पे मौजूद है। एंड अभी अगर मैं ऑपरेट करके दिखाऊं तो देखिए यहाँ से ये ऑपरेट होता है। देखिए अगर मैं म्यूजिक सिस्टम का साउंड बढ़ाऊं तो यहाँ से इसका साउंड बढ़ना चालू हो जाता है। चैनल सेट करना, नेक्स्ट करना, पॉज करना, होम स्क्रीन पे जाना, कोई और भी चीज हो इसके अंदर में हम इंस्टॉल कर सकते हैं। अब देखते हैं स्टीयरिंग कंट्रोल के ऊपर में कि ये ऑपरेट कर पाएगा या नहीं। अगर मैं बटन दबा दूं तो देखिए वहां पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है। सिंपल बात है कि इसमें जो फिटमेंट आती है वो बहुत ही ज्यादा प्रॉपर और रेगुलर आती है। इसमें किसी की प्रकार का आपको लगेगा नहीं कि आफ्टर मार्केट इसमें मैंने वर्क कर चुका हूं। अगर इस म्यूजिक सिस्टम की बात करें तो ये म्यूजिक सिस्टम हमने हाइपरसोनिक का यूज किया है, जिसके अंदर में 2GB रैम 16GB इंटरनल आता है। आपको IPS डिस्प्ले आएगा प्लस गोरिल्ला ग्लास आता है। दैट मीन हम कितनी बार भी इसे टच करें तो इसके ऊपर किसी प्रकार के क्रैचेस बहुत ज्यादा कम आते हैं। सो अगर इसके ऑपरेटिंग्स में हम जाए तो टोटली एंड्रॉइड होने की वजह से इसके अंदर प्ले स्टोर होता है। दैट मीन आप व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, नेविगेशन या फिर क्रोम ब्राउजर्स आप सब कुछ यूज कर सकते हो। इसके अंदर में प्रॉपरली अभी 16GB की जगह खाली है, तो इसके अंदर हम जो मनपसंद चाहे वो म्यूजिक सिस्टम या वीडियोस भी डाल सकते हैं। साथ में अगर हम इसे हॉटस्पॉट के साथ में कनेक्ट करें हमारे मोबाइल के, तो यहाँ पे हम हर प्रकार से हर एक चीज ऑपरेट कर सकते हैं जो मोबाइल से ऑपरेट कर सकते हैं। आपको कोई भी वीडियो लगाना हो, कोई ऑडियो सॉन्ग्स लगाना हो या फिर प्ले स्टोर से कोई और एप्लीकेशंस डाउनलोड करना हो तो इसमें इजीली हो जाएगा। सो दोस्तों यही था आज का हमारा इंट्रो एंड यही था आज का हमारा वीडियो कि नेक्सॉन XMS के अंदर में कैनवास म्यूजिक सिस्टम इंस्टॉल क्यों करना चाहिए। अगर मेरी इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।
मैं अमित कारेकर, आपका दोस्त, आपका होस्ट। थैंक यू।